Assalamu alaikum, this is Yamin Ahmed and you are watching my YouTube channel With and Vision. किसी ज़माने में एक बहुत दौलतमंद इंसान था और उसने काफ़ी अपने दौर में बहुत पैसे कमाए। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम सारा बिजनेस मेरा संभालो और अपनी ज़िंदगी खुद से बनाओ। तो आज मैं तुम सबको तीनों को 10-10 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आज के दिन ही 1 साल के बाद तुम में से हर एक ने यहाँ पर आना है और बताना है कि तुमने क्या किया। तो सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया कि लो बेटा, ये लो 10 लाख रुपए और जाओ अपनी किस्मत आजमाओ, देखो आपकी किस्मत में क्या है और आप कितना एफर्ट करते हो। तो बेटे ने बड़ा शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि बहुत थैंक यू, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड सी व्हाट कैन आई डू। अब उसने दूसरे बेटे को बुलाया कि बेटा तुम आओ और ये लो तुम भी 10 लाख रुपए और अगले साल आज के ही दिन तुमने यहाँ आना है और मुझे बताना है कि तुमने क्या किया। और फिर सबसे छोटे बेटे को बुलाया कि यू आर माई यंगेस्ट एंड यू आर माई मोस्ट फेवरेट सन, सो यू ऑल्सो टेक 10 लाख एंड गो एंड सी व्हाट यू कैन डू। उसने कहा, उसने भी शुक्रिया अदा किया और तीनों बेटे अपने अपने रवाना हो गए। बाप ने कहा ठीक है, तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ, अब जाओ अपनी दुनिया में देखो रियल वर्ल्ड क्या है और कैसे काम होता है, और 1 साल के बाद आपने यहाँ पर आना है और मुझे बताना कि आपने क्या किया। अब दिन गुजरते गए, बच्चे चले गए, बाप अपने फिर से कामों में अपने मसरूफ हो गया और साल इस तरह गुजर गया। और साल के बाद तो जो अब्बा जान थे वो फिर से आके बैठे अपनी लाउंज में कुर्सी पे और कहा कि हाँ बेटा, बड़े बेटे को बुलाया, हाँ बेटा तुमने क्या किया। उसने कहा कि मैंने तो होटल बिजनेस में मैंने छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और आज मेरे पास 3 रेस्टोरेंट हैं और ये आपके 10 लाख भी मेरे, ये देखें मैंने इतने पैसे कमाए और ये 10 लाख भी ये लें अपने वापस, और बाकी मेरे पास तो और लगे दिया बहुत कुछ है, साल में मैंने 3 रेस्टोरेंट बना लिए और मेरा कारोबार तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे को बुलाया होगा, उसने कहा वेल डन, क्या बात है, अच्छा दूसरे से सुनते हैं कि उसकी क्या कहानी है। दूसरे को बुलाया, हाँ बेटा तुम सुना, तुमने क्या किया। वो थोड़ा सा उसने मुँह नीचे किया हुआ था, थोड़ा सा शर्मिंदा सा था। उसने कहा अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे नुकसान हो गया, तो बस 1 लाख ही बचा है, बाकी मैंने 2-3 ट्राई की, पहले मैंने एक शॉप बनाई, फिर वो नहीं चली, उसका मैं किराया भरता रहा, फिर मैंने कहा कि नहीं चलती, तो फिर मैंने किसी और जगह पे एक कॉफ़ी शॉप बनाई, वो भी नहीं चली, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कोई गाड़ियों का कारोबार करता हूँ, वो भी ना चला, तो ये करते करते ये 9 लाख तो नुकसान हो गया, 1 लाख रुपये बच गया। तो अब ये है मेरे पास। उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, वेरी गुड, नॉट बैड, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, तुमने अपना कोशिश की, तुमने ट्राई किया, तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, फिर ट्राई करो, कभी ना कभी तुम्हारी लक तुम्हारे साथ देगी। अब उसने कहा माई यंगेस्ट एंड माई लवलीस्ट सन, अब आप आए हैं जरा मुझे बताएं आपने क्या किया। अब्बा जान मैंने तो कुछ नहीं किया। जबरदस्त, है तुमने कुछ नहीं किया, क्या किया, कहता मैंने आपने 10 लाख रुपए दिए थे मैंने बैंक में डाल दिए। मैंने कहा ऐसे नुकसान हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर आप मुझे डांटेंगे, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने अपने पैसे ये 10 लाख पूरे पूरे के पूरे मेरे बैंक में, बोलकर थोड़ा सा कोई 1000-2000 रुपए इस पर इंटरेस्ट भी लग गया तो वो भी मेरे पास है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो हाथ में लगाया। उसने कहा क्या, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी, मैंने तुम्हें एक चांस दिया और तुमने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा कि अच्छा नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया।
पूरे के पूरे देखें पैसे, ना नुकसान ना नफा। मैंने कहा फिर तुम तो वो चीज़ कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, तुम कैसे अचीव करोगे? तुमने जब कुछ किया ही नहीं तो तुम्हारी जिंदगी का क्या फायदा? तुम्हें तो तुम वापस दो अपने 10 लाख रुपए वापस दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। उसने वो 10 लाख रुपए भी दूसरे बेटे को दे दिए, सेकंड वन को, और उसने कहा कि जाओ ये लो, तुम इसके लिए ये कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम जाओ यार, कुछ बस बैठो कहीं पर जाके दोस्तों वोस्तों के साथ गपशप मारो, तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास रिस्क लेने का वो करेज नहीं है, तुम्हारे पास एस्पिरेशन ही नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ने की रिस्क लेने की कोई तुम्हें सलाहियत नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसने उससे को कहा कि तुम जाओ और अपने आराम करो, जो खाना पीना आया क्या खाना वाना खा लिया करो यहाँ से, तो बाकी खुद से कुछ कर लो, एफर्ट तो कर लो, तुम इससे कुछ नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी कहानी का मतलब इसमें ये है कि आपने रिस्क लेना है। बाकी खुशकिस्मती बंदे की कभी बहुत अच्छा है वो चला जाता है, बहुत ऊपर जाता है, कोई नुकसान उठाता है, लेकिन चांस ये है कि आपको रिस्क लेना है। रिस्क बेसिकली है क्या? रिस्क ये है कि आपने कुछ एक्टिविटी करनी है। हर हर चीज में जो भी आप रिस्क लेते हैं, हर बंदा रिस्क लेता है। आपने सुबह भी कितनी दफा रिस्क लिया होगा, आप घर से बाहर निकलेंगे तो रिस्क है, सड़क क्रॉस करना भी एक रिस्क है। वो कैसे रिस्क है यार? अब देखते हैं ना कि सड़क पे गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आप जाएंगे तो गाड़ी से टकरा जाओगे ना, स्लिप हो जाओगे, गिर जाओगे, उसी और टक्कर लगेगी, बजाय कहीं जाने की हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। रिस्क है ना? तो रिस्क हर जगह पे है, तो आप उसको मिनिमाइज करते हो। रिस्क को मिनिमाइज, हम सड़क क्रॉस करते हुए कैसे मिनिमाइज रिस्क करते हैं? दाएं भी देखते हैं बाएं भी देखते हैं, कोई नहीं आ रहा तो चले जाते हैं। ऐसे ही हर चीज में एक रिस्क है। जैसे आप कोई काम करते हो, कोई आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में दाखिला लिया, वो भी रिस्क है ना। हो सकता है फेल हो जाऊं, हो सकता है पास हो जाऊं, हो सकता है फेल हो जाऊं, सारा साल भी गया, पूरा सेमेस्टर गया, फीस भी गई, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे उस रिस्क को? कि आप रेगुलर काम करोगे, रेगुलर उसमें स्टडी करेंगे, तो फिर आप तो रिस्क आपका मिनिमाइज हो गया ना। अब आगे किस्मत की बात है कि एग्जाम के वक्त आपका बीमार हो गए, एग्जाम ना दे सके, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन चांसेस आर देयर। तो बात यह है रिस्क लेने की। रिस्क जो है वो हर इंसान की नेचर में है। आपकी नेचर में रिस्क अल्लाह ताला ने डाला हुआ है कि आपने रिस्क लेना है। जिन्होंने रिस्क ना लिया वो उन्होंने कुछ ना किया। जिन्होंने रिस्क, जिनके दिमाग में ये है कि भाई डर लग रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए, तो फिर वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, उसकी एस्पिरेशन नहीं होती। हर चीज़ में, इवन ट्रैवलिंग में, आप सफ़र करते हो, आप पढ़ते हो, हर हर चीज़ में एक रिस्क है। और कहीं एडवेंचर पे जाते हो, माउंटेन क्लाइंबिंग में भी गिर भी सकता है, पहाड़ ऊपर गिर सकता है, पत्थर आगे लग सकता है, लेकिन उसको आप मिनिमाइज करते हो। उसके साथ आप अपना गियर लेके जाते हैं, आपको शूज लेके जाते हैं, हाइकिंग गियर में जाते हैं, तो वो आप उसको मिनिमाइज कर लेते हैं रिस्क। तो जब आप रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए यूज करेंगे उस एस्पिरेशन को और उस अपने चांस को, तो देन फिर बहुत मुमकिन होता है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन रिस्क के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द लेसन फॉर टुडे। होप यू लाइक दिट। इफ यू लाइक दिट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन इफ यू वॉन्ट मोर वीडियोज लाइक दिस।